जिला बड़गांव गियर प्लेयर्स जोन बड़गांव एंड जोन बीरवा, बाकी जितनी भी ऑफिशियल्स हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले मैं एडीडीसी बड़गाम को इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट हमने कब स्टार्ट किया और कब कंटिन्यू हुआ और आज इसका क्या मकसद है। असल में एलजी रोलिंग ट्रॉफी इस साल पहली बार इधर जेके में यूटी में हुआ था, तो पहले हमने उसको 12 जोनों में सपोर्ट, उसके अंदर 12 जोन आते हैं जो बड़गाम में, हमने वहां पर सिलेक्शन ट्रायल्स की और सिलेक्शन ट्रायल्स में वाजिया पैगाम था एलजी साहब का कि 200 से कम बच्चों को आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हो, तो वहां से एक सिलेक्टेड टीम आ गया है जिसकी एज है 19+ अप टू 35। वहां से टीम ने जून ने एक सिलेक्टेड टीम भेजा यहाँ के लिए जिसको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमने 4 वेन्यू रखे थे। एक हमें अपना ग्राउंड है सारी शरीफ में, एक ग्राउंड हमने वहां पूल ए रखा था, पूल बी हमने बड़गाम सपोर्ट्स एरिया में रखा था, पूल सी हमने तगितल दारमुना में रखा था और पूल डी हमने डाइट बीरवा में रखा था। तो पहला जब उनका राउंड खत्म हो गया था तो फिर हमने एक सिलेक्टेड एक टीम उसको आगे लाया था जहां से ये दो टीमें हमें आगे आए हैं फाइनल के लिए। फाइनल में हमें जोन बड़गाम की टीम आ गई है और जोन बीरवा की टीम आ गई है। अभी मेरे पास है तो आपके लिए मेरे पास रिजल्ट आया है, तो ये दो टीमों ने आज यहां पर फाइनल खेला है। इस तरह हमारी जो एलजी ट्रॉफी है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़गाम में इख्तिताम पजीर हुई है। तो मैं आप इसके लिए मैं आप दोनों टीमों को और जितनी भी मेरे ऑफिशियल यहाँ हैं उनको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने उसको बआसानी डिसिप्लिन के साथ इख्तिताम पर दी। इससे पहले मैं जिन ऑफिशियलों ने स्टार्टिंग से लेकर इस वक्त तक इसमें ड्यूटी दी उनको भी तहे दिल से एज इंचार्ज एक्टिविटी एज डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर मिस्टर गुरमीत जी सिंह दत्ता की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ अच्छी तरह से आज इख्तिताम पर पहुंचाया है। मैं एडी साहब की नोटिस में ये बात भी एक बार फिर बावर कराना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं जब उनका साथ होता है, और खास तौर में अकरम ठाकुर साहब का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमेशा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट में आगे लाना चाहता है। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं इस पर कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, जब भी हमें कोई मीटिंग होती है तो वो हमेशा हमारा साथ देता है वहां पर। उसके लिए मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट उसको नजरअंदाज नहीं करते बल्कि उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो साथ में जो अभी हमें अभी ये जो टीम है अभी ये यूटी लेवल पर हो जाएगा, लेकिन वहां से हमें आप ये ध्यान से सुनना, अभी हमें वहां से ये इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं कि आपको सिलेक्टेड टीम भेजना है बड़गाम से या विनर टीम भेजना है बड़गाम से। जो भी ऑर्डर्स हमें आगे वहां से मिलेंगे इसी अनुसार हम यहां से अपनी टीम को डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने अपने हिसाब से दोनों टीम बना के रखे हैं, एक तो विनर टीम मेरे पास अभी आया है, इसका रिजल्ट विनर टीम तो मेरे पास है। अभी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे सिलेक्टेड टीम देना है आगे के लिए, अगर मुझे वहीं से वही ऑर्डर मिला है वो भी मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने 4 लेक्चरर साहिबान को 4 ग्राउंड पर एज सिलेक्टर रखा था, तो इसके हिसाब से भी हमारे पास टीम इस वक्त तैयार है। अब जो डायरेक्टरेट से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसी हिसाब से हम उनको टीम फराहम करेंगे।